फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो स्वीट डिश है। आपको सिखाने जा रही हूँ आज मैं मीठी सेवियों की रेसिपी। ईद पर भी ये सेवैयाँ बनाई जाती हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होगी सेवैयाँ एक कटोरी, आपको चाहिए होंगी कैश्यू नट्स, बादाम और रेजिन्स। और मैंने क्या किया है, मैंने सारे कैश्यू नट्स, बादाम और रेजिन्स को इकट्ठे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर दिया है, बारीक कर लिया है इन्हें चाकू की हेल्प से। और आपको चाहिए होगी एक कटोरी शुगर, अपने अकॉर्डिंग आप जितना मीठा यूज करना चाहते हैं। और आपको चाहिए होगा घी, घी मैंने पिघला के रख लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, घी कढ़ाई में गरम करना है। घी गरम बहुत ज्यादा होना चाहिए अच्छे से। जैसे घी आपका सारा गरम हो जाता है आपको उसमें ये सेवैयाँ डाल देंगे। और आपको इन्हें देखिए व्हाइट हो रही है, जल्दी जल्दी आपको इन्हें भूनना है। ध्यान रहे सेवैयों को ब्लैक ना होने दें। शायद छह गैस का सेक लें। जल्दी जल्दी आपको इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसमें शुगर डाल देनी है और शुगर के साथ मिक्स करके इसे पकाना है। जो ज्यादा शुगर खाते हैं वो जितनी सेवैयाँ ली है उतनी शुगर आपको डालनी है, जो कम शुगर खाते हैं उन्हें हाफ कटोरी भी डालनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये भून जाएंगी सारी इसमें आपको वाटर मिक्स कर लेना है। पानी अंदाजे से डालें, जितनी सेवैयाँ उतना पानी। अब क्या करना है आपको, जो कटे हुए ड्राई फ्रूट से वो डाल के, आप लोग चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सचर भी बना सकते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके। अब हमें इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए। इस तरह से 5 मिनट का वेट करें, सेवैयों को अच्छे से पकने दें। 5 से 10 मिनट हो गए, अब हम उठा के चेक कर लेते हैं। लगभग आपकी रेडी है ये। अगर आपको लग रहा है नहीं हुई है तो आप इस तरह से चला सकते हैं कच्ची को, इस तरह से चलाएं कच्ची को जिससे कि वाटर सोख ले। अगर आपकी सेवैयाँ कच्ची रह गई हैं आपको लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं आप। और चाहे तो और भी कैश्यू नट्स डाल सकते हैं, जितनी कैश्यू नट्स डालेंगे उतनी ही इस आपकी सेवैयाँ बनेंगी। जो ईद पे सेवैयाँ बनती हैं उसमें ज्यादा कैश्यू नट्स यूज होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कुरकुरी चाहिए सेवैयाँ तो थोड़ा सा और इसे डाल लें। लगभग पक चुकी है, आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ गैस बंद करके सर्व करने जा रही हूँ। इसी चाशनी मछली को इस तरह से गार्निश कर लीजिए। तो ये थी आपकी ईद की सेवैयाँ या मीठी सेवैयों की रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी ये आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।